Myself Bhavini Patel, I am teacher of senior KG from Ashwamedh Vidyalaya. Today's subject is English. Now open your English textbook with number 4646, okay? Today's date 25 February 2021 and look at the picture and make the sentence. यहाँ पर आपको picture देख करके आपको sentence बनाना है. Prepositions और कंजक्शन वर्ड की हमने प्रैक्टिस करी है. सो टुडे वी विल राइट दिस, मेक द सेंटेंस. पिक्चर देख करके हमें सेंटेंस बनाना है. ओके, फर्स्ट पिक्चर इज बर्ड्स एंड ट्री. तो यहाँ पर सेंटेंस कौन सा बनेगा, कौन सा प्रेपोजिशन वर्ड यूज़ हो सकता है? यस, अ बर्ड इज़ ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर है. ओके, सो हियर वी विल राइट फर्स्ट सेंटेंस. बर्ड्स, B-I-R-D-S, birds. Birds is on the tree. When on, it's preposition bird, on the tree. Okay, next picture is box and pencil. So, which word use here? In, I-N-in, preposition word, in word use hoga. Kyun? क्योंकि बॉक्स के अंदर पेंसिल है. सो हियर वी विल राइट पेंसिल इज, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल इज इन द, इन द, यस, इन द बॉक्स. नाउ थर्ड पिक्चर, कप एंड जग. तो यहाँ पर कंजक्शन वर्ड या फिर प्रेपोजिशन वर्ड यूज़ होगा, कंजक्शन वर्ड यूज़ होगा. ओके, सो हियर वी विल राइट अ कप, सी यू पी कप, एंड ए एन डी एंड दिस कंजक्शन वर्ड, एंड जग, अ कप एंड अ जग, जे यू जी जग. ओके, नेक्स्ट पिक्चर इज एग एंड नेस्ट है, बट यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन वर्ड कौन सा यूज़ करना होगा? Yes, an egg is in the nest. वो नेस्ट के अंदर है. An egg is in, okay, in, in the nest. N-E-S-T, nest. Next picture, books, table. तो बुक्स कहाँ पे रखा गया है, प्रपोजिशन वर्ड में हमें जो चीज़ है वो कहाँ पे रखी गई है वो हमें दिखाते हैं. ओके, सो अ बुक इज ऑन द टेबल, अ बुक इज ऑन द टेबल. यहाँ पर हम लिखेंगे अ बुक, बी ओ ओ के, बुक, बुक की स्पेलिंग इज ओ एन ऑन, ऑन दिस प्रपोजिशन वर्ड. ये पोजीशन बताते हैं चीज़ की. सो वेन ऑन द, ऑन द टेबल, टी ए बी एल ई, टेबल. हमने 4-5 वर्ड की प्रैक्टिस करी थी तब भी ये सब वर्ड हमने प्रैक्टिस किया था. सो आपको ये स्पेलिंग आनी ही चाहिए. प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये स्पेलिंग भी आ जाएगी. ओके, देन लॉग एंड डॉग. तो डॉग कहाँ पे है वो सिचुएशन दिखाई गई है, कहाँ पर है वो? ऑन द लॉग, ऑन. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अ डॉग, डी ओ जी डॉग, इज ऑन द लॉग, एल ओ जी लॉग. ओके, लॉक एंड की, इसमें कंजक्शन वर्ड आ ही गया, हम जब वर्ड बोलते हैं अ लॉक, अ की, तो यहाँ पर कंजक्शन वर्ड एंड यूज होगा. एल ओ सी के, लॉक, एंड के ई वाई, की. ओके, ओके बच्चों, तो ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है. पेज नंबर 4646 पे जो एक्टिविटी दी गई है, लुक एट द पिक्चर एंड मेक द सेंटेंस. तो आपको सेंटेंस खुद बनाना है, आपको याद करके, पिक्चर देख करके. ओके, थैंक यू, बाय.